आपका पुराना तुम जानो मेरी पहले याद आता है। हाँ जी हाँ जी, और तुम जानो मेरी और उनको अपने करीब देखा था, इस यात्रा को लेकर कुछ बताइए, कैसे इसकी तैयारी हुई, क्या विशेष आपने तैयारियां की हैं, उस गाने और इस गाने में क्या डिफरेंस रखा है, म्यूजिक में क्या डिफरेंस रखा है? देखिए, मैं पहली तो ये कहना चाहता हूँ कि शान साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं, आई एम एब्सोल्युटली बोल्ड, यू नो, ही इज अ रॉक स्टार, आई मस्ट से इंडीड। मैं इनका कुछ प्रोग्राम देखने गया था हाले खार्ज, बड़ा पब्लिक था, मैंने कहा आई मस्ट गो एंड सी हिम, एंड यू कांट बिलीव that he has performed after 20 years, right? There in Gymkhana, and everybody rocked, and what an energy, yeah. 3 hours non-stop singing, it was amazing. So I'm so glad that I'm emotionally connected. He may say I'm a friend, but so, he's just like so, my son. तो इसके लिए मैं तो पहले इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आए हमारे बीच में बैठे, इज अ वेरी वेरी वार्म पर्सन, वेरी फ्रेंडली पर्सन, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू प्लेसेस। आपकी बात हो रही है, आप बताइए। मेरी जहाँ तक बात है, देखिए मैं तो अब एक दूसरे के बारे में बोलते रहेंगे, कुछ भी सवाल करें घूम के इधर आ जाए। मैं तो पैदा ही मजदूर हुआ था, अभी तक मजदूरी है, तो ये मजदूरी करते करते हमने कुछ ये गाने का शौक था, वो बच्चा था अंदर हमारे, कूदता था। पर यार एक तो संघर्ष फैमिली, सर ये ऐसा है कि जब आप पूछते हैं तुम जान हो मेरी, जब गाना लिखा गया था अरविंद जनिया और ल्यूटा ने उसको कंपोज किया था, ट्रैक किया था, हमने साथ में बैठे थे। मैं आपको किस्सा बताता हूँ, आई नॉट टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज यू नो वी आर ऑलरेडी ऑफ द शेड्यूल। तो जनाब एक दिन आए हमारे अरविंद जी, जो हमारे अभ्यास कराते हैं, कहते हैं भैया ऐसे गाया करो यार, मजाक मत करो। तो इसने कहा कि साहब आप आज थोड़े से उदास लग रहे हो। तो मैंने कहा यार मेरी बेगम ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। तो उसने चल लाइन बोल दी। तो जब इसने एक लाइन लिख ली तो मैंने कहा कि यार दूसरी लाइन मैं बताता हूँ आपको। तो बस उस तुम जान हो मेरी, वही जान है मेरी, आज तक रहेगी और कभी भी मैं उसकी यादों में रहता हूँ। और ये जो अभी का जो है उनको अपने करीब देखा था, ये भी एक कल्पना है, एक तन्हाई के हिसाब से हमने इसको, जैसे कहा मधोश जी हमारे सन इन ला के पिताजी हैं, एलिया जंग, उसका नाम जरूर मेंशन करूंगा उस तरफ ही देखना। हाँ, तो मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूंगा कि उन्होंने एक किताब दी मुझे, उर्दू में लिखी हुई थी। तो ये जैसे सर ने कहा कि मधोस जी और इनके पिताजी बड़े दोस्त थे, साहब थे, तो मधोस जी काफ़ी इमोशनल इंसान थे और काफ़ी दर्द भरी नज़में लिखते थे, यू नो। तो हमने किताब को देखा, एक ये नज़म ध्यान में आई कि यार ये अच्छी नज़म है, और मैंने अरविंद जी को कहा कि यार इसकी कुछ, उसको कुछ किया जाए। बस दैट वाज द वे, एंड आज आप देख रहे हैं पर्दे पे।